नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। खड़े नमक की तरह दिखने वाला फिटकरी ना सिर्फ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखती है बल्कि उसकी कई समस्याओं का भी अंत करती है। खून रोकने से लेकर पानी साफ करने की क्षमता रखने वाली फिटकरी में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जिसके चलते इसका इस्तेमाल आफ्टर शेव के तौर पर भी किया जाता है। अब देखिए ना, घाव भरने से लेकर चेहरे की झुर्रियां दूर करनी हो, दांत का दर्द खत्म करना हो या फिर दमा खांसी जैसी समस्याओं से छुटकारा पाना हो, बतौर औषधि फिटकरी कारगर साबित होती है। अब आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि भाई आयुर्वेद में फिटकरी जितने फायदेमंद साबित होती है उतनी ही वास्तुशास्त्र में चमत्कारी मानी जाती है। कहते हैं कि फिटकरी से जुड़े कुछ ऐसे टोटके होते हैं जो व्यक्ति की रातों रात तकदीर बदल देते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर दुकान या ऑफिस मंदी की वजह से सही नहीं चल रही है तो काले कपड़े में फिटकरी रखकर उसे दुकान या ऑफिस के मेन गेट पर आप बांध दीजिए। अब ऐसा करने से ना सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है बल्कि आपके व्यापार में आपको तरक्की देखने को भी मिलेगी। अब देखिए ना, अगर आपकी जिंदगी घरेलू झगड़ों में उलझी हुई है, परिवार में कलह मची हुई है, तो रात को पलंग के नीचे पानी के गिलास में फिटकरी के कुछ टुकड़े डाल दें और फिर उसको अगली सुबह उस जल को पीपल पर डाल दें। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि भाई आपके घर की कलह ना सिर्फ दूर हो जाती है बल्कि साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भाव भी बढ़ने लगता है। आज के दौर में हर कोई तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है और ऐसे में अगर आप भी सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं तो सबसे पहले फिटकरी के 5 टुकड़े, 6 नीले फूल और 1 बेल्ट कमर में बांधने वाली और इन सब को नवमी के दिन देवी माँ को चढ़ा दें। फिर दशमी के दिन बेल्ट किसी कन्या को दे दें, फूल बहते पानी में प्रवाहित कर दें और फिटकरी के टुकड़े अपने पास रखें। फिर देखिए, जिस काम में आप हाथ डालेंगे वो चल पड़ेगा। वहीं अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो फिटकरी से जुड़ा ये टोटका आपको कर्ज से मुक्ति भी दिला सकता है और इसके लिए आपको बुधवार के दिन थोड़ी सी फिटकरी पर सिंदूर छिड़क दें और फिर उसे पानी के पत्ते में लपेटकर कलावा के साथ बांध दें। फिर उसको शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे किसी भारी चीज जैसे कि बड़े पत्थर से दबा दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके ऊपर जितना भी कर्ज है वो जल्दी उतर जाएगा। देखिए, अब कई बार अचानक हमारा सिर भारी हो जाता है, काम में मन नहीं लगता, ऐसा महसूस होता है कि भाई कहीं हमें किसी की नज़र तो नहीं लग गई, तो नज़र दोष से भी फिटकरी निजात दिलाती है। अगर कोई व्यक्ति नज़र दोष से पीड़ित है तो उसे लिटा दें, फिर फिटकरी के टुकड़े से सिर से लेकर पांव तक 7 बार फिटकरी को घुमाएं और ध्यान रखें कि पांव तक ले जाते समय तलवे पर फिटकरी जरूर लगाएं, फिर इसको आग में डाल दें। ऐसा करने से बुरी नज़र का असर जल्द खत्म हो जाता है। देखा आपने, फिटकरी का इस्तेमाल ना सिर्फ व्यक्ति को फिट रखता है बल्कि उसकी परेशानियों पर भी फुल स्टॉप लगाता है।